हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम आपकी कक्षा 2 की हिंदी का कार्य पत्रक 37 करेंगे। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है। हमारा अधिगम क्षेत्र है बच्चों, लिखना अधिगम बिंदु है। परिवेशीय अनुभव के आधार पर लिख पाना बच्चों। हमारा जो प्रश्न है वो है, आज हिंदी महीनों के नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, आज आपको हिंदी महीनों के नाम लिखने भी हैं और याद भी करनी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कुल हिंदी महीने 12 होते हैं। ठीक है, हमें जनवरी फरवरी नहीं लिखने हैं, हमें हिंदी महीनों के नाम लिखने हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है बच्चों चैत्र, फिर है दूसरा वैसाख, तीसरा है ज्येष्ठ, फिर है बच्चों चौथा आषाढ़, आषाढ़ के बाद बच्चों आता है श्रावण, छठा महीना आता है बच्चों भाद्रपद, उसके बाद बच्चों सातवां महीना आता है आश्विन, और आठवां महीना होता है बच्चों कार्तिक, और नवां महीना होता है मार्गशीर्ष, दसवां महीना आता है बच्चों पौष, 11वां महीना होता है माघ, 12वां महीना होता है बच्चों फाल्गुन, जिसे फागुन भी बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारे भारतीय महीनों के नाम है। आपको जनवरी फरवरी नहीं लिखना, आपको चैत, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं और इन्हें याद भी करके अपने टीचर जी को सुनाना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।